अर्की मुख्यालय के एसडीएम कार्यालय परिसर में आज युवा कांग्रेस विधानसभा अर्की द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल की गई। इस दौरान युवा कांग्रेस अर्की द्वारा महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द व छात्र छात्राओं को प्रमोट करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमित ठाकुर ने कहा कि पिछले काफी समय से देश व दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। उन्होंने कहा कि इस दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कॉलेज के छात्रों की परीक्षाएं ली जा रही है, जो सरासर गलत कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्र छात्राओं को प्रमोट करे ताकि छात्र मानसिक रूप से परेशान न हो। आज यहाँ पे अर्की उपमंडलाधिकारी के परिसर में यहाँ अर्की युवा कांग्रेस के द्वारा और एनएसएई अर्की यूनिट के द्वारा यहाँ पे एक दिवसीय संयुक्त भूख हड़ताल जो रखी गई है, उसका मुख्य उद्देश्य जो है यहाँ पे, जो आपको मालूम होगा जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने आनन फानन में यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स के जो परीक्षाएं को जो घोषणा की है, उसके विरोध में यहाँ पे एक दिवसीय क्रामिक अनशन का यहाँ पे रखा गया है और यहाँ पे तहसीलदार जी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कि हमारी मुख्य मांगे ये थी कि पूरे जब तक पूरे स्टूडेंट्स को कॉलेज स्टूडेंट्स को वैक्सीनेट नहीं किया जाता, यहाँ पर उनकी जो परीक्षाएं हैं वो ना ली जाए। और अगर परीक्षा लेनी ही है तो जिस तरीके से पूरे वर्ष भर कोरोना काल के टाइम ऑनलाइन स्टडीज़ होती रही, तो ऑनलाइन ही उनकी परीक्षा ली जाए, ऑफलाइन परीक्षा ना ली जाए। और आपको मैं बताना भी चाहूँगा कि आजकल जो आपको पता है युवा जो है वैक्सीनेट नहीं हो पा रहा, क्योंकि 9 तक जो है प्रदेश सरकार ने स्लॉट बुक बंद कर रखा है और 9 तारीख के बाद स्लॉट जैसे ही ऑन होगा उसके बाद भी कुछ छात्र जो जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो वैक्सीनेट नहीं हो पाएंगे। और जो छात्र वैक्सीनेट अगर हो भी गए और 15 से उन्हें एकदम से एग्ज़ाम देना पड़ा, तो आपको मालूम ही होगा कि इसका बुखार भी एक दो दिन तक रहता है। हम प्रदेश सरकार से पूछना चाहेंगे कि जो वैक्सीनेट हुआ स्टूडेंट बुखार से पीड़ित हो, किस तरीके से अपनी परीक्षा दे पाएगा। ये प्रदेश सरकार जो तानाशाही रुपया अपना रही है और धोरी नीति जो अपना रही है छात्रों के प्रति, इसे युवा कांग्रेस और एनएसए कड़े शब्दों में इसका विरोध करती है। सिटी चैनल के लिए अर्की से राकेश कुमार की रिपोर्ट।